ये वॉइस ये चेक करो प्लीज। हाँ माइक तो आवाज़ चेक करो आप जाते हैं फिर। गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से लाइव आ जाइए। आज अपने आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति वाला जो पार्ट था उसको शुरू करेंगे। पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने 1857 की क्रांति क्यों हुई थी उस कारण को जाना था। इसके अलावा आज जो पॉलिटिकल रीजन है, इसके इकोनॉमी रीजन है, सोशल रीजन है, मिलिट्री रीजन है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाइए। विकास सरपटा गुड मॉर्निंग। कमेंट बॉक्स में सभी बताएं आवाज़ आ रही है सभी को, आवाज़ के बारे में बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए सभी। आवाज़ आ रही है सभी को? ग्यारह पाँच पे शुरू करेंगे क्लास को अपने, तो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। स्टेटस दिया था क्या? चलाने दो, कोई बात नहीं, इसकी तो कोई वॉल्यूम प्रॉब्लम नहीं है। सुनीता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से जल्दी आ जाइए लाइव। आधुनिक भारत के इतिहास में आज अपने 1757 से लेकर और 1857 तक की जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। पूजा सरबटा वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी से जल्दी लाइव आइए, क्लास का टाइम हो रहा है, 5 मिनट हो गए शुरू करने वाले हैं क्लास को अभी। अनीता शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, विकास सरबटा गुड मॉर्निंग सभी को, एक बार सभी को पुनः गुड मॉर्निंग। तो चलो, हमने जो पीछे दो क्लासों में चर्चा की है वो आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पढ़ा था कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो 1707 से शुरू होता है। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से शुरू होता है, लेकिन अपने इसको पढ़ते आए हैं 1492 से लेकर, और 1492 से लेकर कल हमने 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, वैसे बक्सर और वैसे बिहार, तो बिहार में जो ये बक्सर का युद्ध हुआ था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने अपनी वास्तविक सत्ता की जो स्थापना है
वो 1764 में बक्सर युद्ध में कर ले थे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी और यहाँ पर अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था, अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया गया था? मेजर मुनरो के द्वारा किया गया था। मेजर मुनरो बोल दो या कैप्टन मुनरो बोल दो, एक ही बात है। तो मेजर मुनरो के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और इस युद्ध में विजय भी किसकी हुई थी? मेजर मुनरो की हुई थी। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी वास्तविक सत्ता की स्थापना कर ली थी। अंग्रेजों ने भारत में वास्तविक सत्ता की स्थापना कर ली थी 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। यदि सीधी भाषा में कहा जाए तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राज करना या शासन करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि शासन प्रारंभ कब हुआ था? 1757 के प्लासी के युद्ध में। और वास्तविक रूप से इन्होंने शासन करना शुरू किया था 1764 के बक्सर के युद्ध में। अब देखिएगा, जैसे ही शासन करना शुरू किया तो हम लोग जीके में एक परिभाषा पढ़ते हैं संविधान की, और वो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का जो चरण है वो यहीं से प्रारंभ होता है। कैसे? कि अब अंग्रेजों ने भारत में शासन करना शुरू किया है और भारत में इतने वर्षों तक किस प्रकार का शासन हुआ करता था? राजतंत्र था। भारत में क्या था? राजतंत्र था, राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में शासन चलाने के लिए, देखो संविधान की परिभाषा होती है कि किसी राष्ट्र की या किसी देश की शासन व्यवस्था को भी, अगर किसी देश की शासन व्यवस्था को यदि सुचारू रूप से, सुचारू का मतलब होता है ढंग से या अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से अगर चलाना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। और उन्हीं कानूनों का इकट्ठा भाग क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अब इससे पहले भारत में तो कानून थे नहीं, इससे पहले भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था, राजतंत्र था भारत के अंदर। तो इसी प्रकार अगर देखें तो यहाँ पर कानूनों की आवश्यकता पड़ी और उन्हीं कानूनों की आवश्यकता पड़ी तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1773 में एक अधिनियम भारत भेजा था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। यह 1773 में आया था। तो देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, अपने आज 1774 से और या 1757 की चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं। तो 1764 से बक्सर के युद्ध से लेकर और 1857 तक का जो टाइम है उसके बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना या नियंत्रण करना। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल या नियंत्रण करना। एक अपने शब्द लेते हैं रेगुलेटर, जो कि अपने गेंस के ऊपर उसको कंट्रोल करने का काम करता है, तो उसी रेगुलेट से बना है रेगुलेटिंग। तो वो भी क्या करता है? गेंस को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब था कि, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या था कि यहाँ पर जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनको कंट्रोल करने के लिए क्या था, ये भारत आया था। संदीप कारवा गुड मॉर्निंग, राजेंद्र सिंह नेहरा गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आगे अपने पढ़ते हैं। तो देखिएगा अभी जो अधिनियम आए थे उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा सबसे पहला जो इनका अधिनियम आया वो 1773 में आया था।
सबसे पहला जो अधिनियम आया था अंग्रेजों का, वो सबसे पहले कब आया? 1773 में आया था। और ये 1773 में आया तो इसके अंतर्गत दो मुख्य डिसीजन लिए गए। एक तो 1774 के अंदर कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी, और अगला इम्पोर्टेंट है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता, जो कि 1911 तक भारत की राजधानी थी, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन दैट इज नॉट सुप्रीम, ये सर्वोच्च नहीं था। इसका अगर अपने अर्थ पढ़े सुप्रीम कोर्ट, तो अर्थ तो इसका है कि ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन यह सर्वोच्च नहीं था। क्यों नहीं था? कि जो कलकत्ता के इस सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लिए जाते थे उनके विरुद्ध, मतलब इसमें जो भी फैसला आता था तो उसके विरुद्ध एक अपील की जा सकती थी ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में। ब्रिटेन की जो प्रीवी काउंसिल होती थी, मतलब सम्राट की जो सभा होती थी ब्रिटेन में, वहां पर अपील की जा सकती थी। तो इसका मतलब ये सुप्रीम नहीं था। अब देखो यहां पर एक और डिसीजन होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में बंगाल का जो गवर्नर होता था, उसका पद चेंज कर दिया गया और उसका 1774 में नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है ना? तो उसका नाम क्या रख दिया गया था? गुरविंदर, हेलो सभी, कैसे हो भाई? गुड मॉर्निंग सभी को एक बार पुनः। जल्दी से जल्दी, लेट हो रहे हो, टॉपिक निकलता जा रहा है, तो सभी जल्दी लाइव आ जाए करो। 11 बजे क्लास का टाइम बोला हुआ है सभी को। गुरविंदर जी 11:15 हो रहे हैं, चलो देखिए आगे। तो बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया, लेकिन ये जो पद था ना, इसमें भी काफ़ी चेंजेज आए थे, ठीक है? इसमें काफ़ी चेंजेज कैसे आए थे कि देखो, सबसे पहले यदि मैं 1757 के आसपास की बात करूं, तो एक सीधा पद हुआ करता था और उस पद का नाम था सीधा क्या? गवर्नर। और यदि मैं इस गवर्नर की बात करूं सबसे प्रथम की, तो इनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। पहला जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। अब ये जो पद चला गवर्नर का, ये चला कब तक? 1774 तक। रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनके बाद में ये जो गवर्नर का पद था ये 1774 तक चला, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें इस गवर्नर के पद को बदल कर और इसको कर दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। इसको कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहां से। तो देखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों, बंगाल का ही गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया था इसको? क्योंकि इस समय सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने जो प्लासी का युद्ध जीता था 1757 का, तो उसमें क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव ने सर्वप्रथम बंगाल पर ही नियंत्रण किया था। तो बंगाल का गवर्नर, जनरल बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग को। यह भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ध्यान से सुनिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग जो है इनको क्या बनाया गया था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन यहां जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा कि एक ये व्यक्ति है, ये कोई गवर्नर जनरल है, ये अपना कार्यकाल शुरू करता है 1772 में। जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग की अगर अपने बात करें तो ये 1772 में गवर्नर बनकर आए थे। क्या बनकर आए? गवर्नर बनकर आए, क्योंकि 72 में तो पद कौन सा चलता था? गवर्नर का ही। 74 में बनेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। तो ये 72 से लेकर और 1774 तक
72 से लेकर 1774 तक, तो इन्होंने कौन से पद पर कार्य किया था? इन्होंने कौन से पद पर कार्य किया? गवर्नर के पद पर कार्य किया। 72 से 74 तक इन्होंने कौन से पद पर कार्य किया? गवर्नर के पद पर कार्य किया। और फिर इन्होंने 74 के बाद कौन से पद पर कार्य किया था? इन्होंने कौन से पद पर कार्य किया? बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था 1774 से लेकर 1785 तक। ओके, यहां तक समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या बनेगा इधर, आपसे पूछा जाए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो पहला क्वेश्चन होगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अब अंतिम भी यही होगा, क्योंकि 74 तक तो ये गवर्नर रहा है, और बाद में इसी व्यक्ति, व्यक्ति एक ही है, वॉरेन हेस्टिंग्स, व्यक्ति एक ही है, हेस्टिंग्स व्यक्ति एक ही है, लेकिन क्या है कि उसी के पद चेंज किए जा रहे हैं। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। दोबारा सुनिए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो उसमें दो प्रमुख अहम फैसले लिए गए थे कि 1774 के अंदर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। विशाल सर्वटा, वेरी गुड मॉर्निंग, कंटिन्यू क्लास को लगाइए सभी। अच्छा पार्ट है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है, और गवर्नर जनरलों के भी साथ साथ चर्चा कर रहे हैं। और इसमें 1492 से लेकर 1947 तक का जो हमारा पार्ट है आधुनिक भारत का, इसमें अपने हर एक इम्पोर्टेंट पार्ट की चर्चा हम साथ साथ में करेंगे। तो देखिए, इसमें दो फैसले कौन से थे कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, दैट इज नॉट सुप्रीम, ये सर्वोच्च नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि इसके फैसले के विरुद्ध ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अब इसके बाद में 1774 में एक और डिसीजन लिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा उसे क्या बनाया जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। तो इस पद में कैसे चेंजेज आते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं गवर्नर की बात करूं, रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो दो बार रहे थे गवर्नर के पद पर। 1757 से 1760 तक इनका पहला कार्यकाल था, 1757 से 60 तक पहला कार्यकाल था, और दूसरा 1765 से लेकर और 1767 तक इनका दूसरा कार्यकाल था। पर इन्हीं की अगर मैं साथ में आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं कि द्वेष शासन की जो शुरुआत हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव के ही समय हुई थी, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। द्वेष शासन की जो शुरुआत हुई थी या देश द्वेष व्यवस्था को लागू जब किया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव के ही समय लागू किया गया था। तो प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, ये गवर्नर का पद चला 1774 तक, और 1774 में इस पद को क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग क्या बने थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, और अंतिम गवर्नर जनरल भी क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे। लेकिन यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताता हूं कि चार्टर एक्ट जो थे, इसके बाद में अपने अंग्रेजों ने एक टाइम फिक्स किया था, देखिए किस प्रकार से, कि 1773 में भेजा, जिसका नाम इन्होंने रखा रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो कमियां रही वो 1781 में इन्होंने भेजा सेटलमेंट एक्ट। इसमें जो कमियां रही, फिर 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में आता है कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट आता है।
तो देखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि 1784 के आसपास ब्रिटेन के जो पीएम थे वो कौन थे, पिट्स थे। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि पिट्स यहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनका टाइम फिक्स क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद इन्होंने 20 वर्ष बाद, इन्होंने 20 वर्षों का समय निश्चित किया था कि एक अधिनियम भेजा जाएगा प्रत्येक 20 वर्षों के बाद, और उस 20 वर्षों के बाद आने वाले हर एक एक्ट को क्या कहा जाता था, चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता था। उसे किस नाम से जाना जाता था, चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चार्टर का मतलब क्या होता है, चार्टर का मतलब होता है कि एक अधिकार पत्र, चार्टर का मतलब होता है कि अधिकार पत्र, चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो चार्टर किस प्रकार से आए, 1773 में तो आया रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, अब 20 वर्ष बाद आएगा तो पहला कब आएगा, 1793 में आएगा पहला चार्टर एक्ट कब आएगा। और टोटल ये देखो, चार्टर और इसका मतलब चार, तो टोटल कितने चार्टर एक्ट आए थे, चार चार्टर एक्ट आए थे। पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन में, कौन सा अधिनियम कब आया था, मिलान कीजिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा 1773 में और 20 वर्षों बाद कौन सा आएगा, 1793 चार्टर एक्ट आएगा, और उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट आएगा, और इसके बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आएगा 20 सालों के बाद में, और फिर आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। तो देखिएगा 1, 2, 3 और 4, तो टोटल कितने चार्टर एक्ट आए थे, चार चार्टर एक्ट आए थे। ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, तो दोबारा सुन लीजिएगा कि ये जो एक्ट आते गए इनमें क्या क्या प्रावधान थे, ये अपने पॉलिटिकल रीजन जब पढ़ेंगे उनमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले बंगाल के गवर्नर, ध्यानपूर्वक से सुनते रहिएगा, ये बंगाल के गवर्नर कौन बने, रॉबर्ट क्लाइव, कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला इम्पोर्टेंट है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, और यहां मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। मुकेश जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, आवाज आ रही है सभी को, चलो देखिए आगे कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। अब इसके बाद में अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पद रहेगा कि ये बात अपने कर रहे हैं, ये पद था 1757 से 1774 तक, लेकिन ये पद जब 1774 में बना तो ये कब तक चला था, ये चला था 1833 तक, ये कब तक चला, 1833 तक चला। अब 1833 तक लगभग अंग्रेजों के नियंत्रण में पूरा भारत आ गया था, अंग्रेजों के नियंत्रण में पूरा भारत आ गया था, तो 1833 में इस बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत की शक्तियां प्रदान की गई, तो इसे बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। यह भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब इस समय अगर चर्चा करें कि गवर्नर जनरल किसे बनाया होगा, तो उसी प्रकार से डायग्राम से अगर समझोगे तो इजीली आप लोगों के याद हो जाएगा कि ये कोई गवर्नर जनरल था, चाहे उसको बंगाल का मान लो,
इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यदि इनके काल की अगर अपने बात करें तो इनका जो काल था वो रहा था 1828 से लेकर और 1835 तक, 1828 से लेकर 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंक का काल था। तो मैंने अभी अभी कहा है कि 1833 में बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर उसे क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर किनु हनुमानगढ़, हेलो विकास सर बेटा, थैंक यू। जितने भी लाइव है वो सभी आगे से आगे इसको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइव क्लास में बच्चे पढ़ सकें। तो देखिएगा, अपने पहले सभी बच्चे ऐसे करो, कंसंट्रेट से इस पार्ट को समझ लो सभी, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला पार्ट रहता है कि कौन तो अंतिम था, क्योंकि एक ही व्यक्ति के दो दो बार नाम आते हैं, प्रथम भी वही होता है और अंतिम भी वही होता है। ओके, इसीलिए तो देखो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगर बात करें तो वो 1828 से 1835 तक का इनका काल है, और 33 तक तो ये क्या रहेंगे। अब देखो इनका काल बताते हैं कि 1828 से लेकर और 1833 तक ये कौन से पद पर रहेंगे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहेंगे, क्योंकि 33 तक पद कौन सा चलने वाला है, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इसके बाद में ये 33 से लेकर 35 तक, 1833 से लेकर 35 तक कौन से पद पर रहेंगे, ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं सभी, कि मैं यदि पूछूं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सभी कमेंट में लिखकर बताएं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ओके, आगे की अगर चर्चा करें तो ये भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था ये कब तक चला, ये चला था 1858 तक, ये कब तक चला, 1858 तक ये पद चला था। और 1858 में, क्योंकि 1857 का समय तो सभी को याद ही होगा, 1857 की क्रांति के बाद जो प्रथम अधिनियम आया था, अनिता शर्मा, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल हेस्टिंग नहीं होगा, गवर्नर जनरल अंतिम नहीं है, ये प्रथम है। मैंने यहाँ लिख रखा है कि भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन बनेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 तक, 1833 तक, 1828 से 1833 तक कौन से पद पर रहा है, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर ही रहा है। तो अंतिम गवर्नर जनरल होगा कौन, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। विकास सर बेटा वेरी गुड, सही है ये, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अनीता शर्मा, थोड़ा ध्यान से आराम से कीजिए क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं है, कमेंट थोड़ा लेट कर दिया करो बट अच्छे से उसको फोकस करके और आराम से आंसर दिया करो इसका। चलो आगे देखें कि ये पद चलेगा 1858 तक, और 1858 का जो अधिनियम था तो उसको कहा जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम इसे कहा जाता है। और इस
1858 का जो अधिनियम है, हाँ पूजा सर्वटा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वेरी गुड, सही है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो देखिएगा 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ, इस भारत के गवर्नर जनरल का पद बना बदल कर और इसे क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। किसको, भारत का गवर्नर जनरल। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग होती है। सबसे पहले पद था गवर्नर का, सबसे पहले पद कौन सा था, गवर्नर का पद था। और गवर्नर कौन बने प्रथम, रॉबर्ट क्लाइव बने थे। गवर्नर का पद चला था 1774 तक, और 1774 में उस पद को बदल कर क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने थे, और वॉरेन हेस्टिंग क्या हो जाएंगे, बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ये पद चला 1833 तक। 1833 तक आते आते, हाँ सॉरी सर क्वेश्चन नहीं सुना, क्वेश्चन को पहले अच्छे से सुन लिया करो, और अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर क्वेश्चन रिपीट करो, तो अपने क्वेश्चन को रिपीट भी करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे देखिए। हाँ तो मैं बता रहा था कि 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदल कर और उसे क्या कर दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल जो था बना दिया गया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या हो जाएंगे, अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। ये पद, भारत का गवर्नर जनरल का जो पद है, ये कब तक चला, 1858 तक चला था, 1858 तक चला। और ये 1858 तक यदि चला तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इस पद को क्या किया गया, वायसराय बनाया गया। तो देखिएगा, ये एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है, इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। इनका नाम क्या है, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो टोटल ये 1856 से लेकर और 62 तक रहे थे, दो बार आता है इनका कार्यकाल में। तो देखिएगा, लॉर्ड कैनिंग का अगर मैं टोटल कार्यकाल देखूं तो 1856, क्योंकि 56 में ही लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल पूर्ण होता है, और लॉर्ड डलहौजी के तुरंत बाद कौन आते हैं, लॉर्ड कैनिंग आते हैं, जो कि 1857 की क्रांति के समय हमारे क्या थे, अनिता धेत्रवाल, अंकित धेत्रवाल, सॉरी। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या, चलो देखिए, लॉर्ड कैनिंग का अगर करें तो 62 तक करेंगे इनका कार्यकाल टोटल, तो 1857 की क्रांति के समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन देखें कि 1858 के अंदर किसी पद को बदला जाएगा, तो ये तो 56 से कार्यरत हैं। तो देखो 1856 से लेकर और 58 तक ये कौन से पद पर कार्य करेंगे, ये करेंगे भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कार्य करेंगे, या भारत के गवर्नर जनरल। पर कार्य किया। अब इसके बाद में 1858 से लेकर और 62 तक ये कौन से पद पर कार्य करेंगे, वायसराय पद पर कार्य करेंगे। कौन से पद पर कार्य करेंगे, वायसराय पद पर ये कार्य करेंगे। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारा इधर से, कि पूछा जाए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, प्रथम वायसराय कौन बने हैं, लॉर्ड कैनिंग। पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। पूजा सरवटा, नाइस हैंड राइटिंग सर, थैंक यू।
टॉपिक पर ध्यान दीजिए सभी, और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो वो पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई चीज़ समझ में ना रही है रिपीट करनी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको रिपीट भी कर दिया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। तो देखें ध्यान से, तो ये थी अपने गवर्नर जनरलों की कहानी 1858 की क्रांति तक, क्योंकि इसके बाद में जो अपने को चर्चा करनी है तो वो तो आगे चर्चा करेंगे कि ये 1947 तक जो ये पद था वो गवर्नर नहीं बल्कि वायसराय के रूप में चला था, लेकिन 1947 के अंदर इसको पुनः भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, और उसके बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल जो बने थे सी राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो थे, और उसके बाद में इस पद को राष्ट्रपति के रूप में चेंज कर दिया गया था। तो देखिएगा अभी जो अपने चर्चा करनी है आज 1857 की क्रांति, सभी बच्चे मेन जो टॉपिक था वो अभी शुरू करेंगे 1857 की क्रांति। यहाँ पर एक शब्द है क्रांति, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्रांति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि क्रांति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रियंका सुथार, बदलाव, किसमें बदलाव? बदलाव किसमें होना चाहिए? लड़ने में बदलाव? अंकित देतरवाल, आजादी। पूजा सरवटा, बदलाव। अनिता शर्मा, बदलाव करना। जी वेरी गुड। देखिए इसके लिए दो शब्द आते हैं 1857 की क्रांति के लिए, दो शब्द आते हैं। एक तो हम लोग लेते हैं क्रांति या विद्रोह, एक शब्द आता है क्रांति, और दूसरा शब्द हम लोग पढ़ते हैं विद्रोह। क्रांति का मतलब किसी मूवमेंट से या राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं होता, प्रियंका सुतार, लाइफ में बदलाव। लाइफ में तो बदलाव आ गया था जब मुगल सत्ता के बाद अंग्रेज ब्रिटिश सत्ता भारत में स्थापित हुई थी। चलो देखिए क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर होता है। देखिए विद्रोह और क्रांति में अंतर होता है कि जैसे कि हमने बोला कि 1857 की क्रांति, तो व्यवस्था में आपने किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए जो प्रयास किया और वो कुछ हद तक सफल रहा तो उसके लिए शब्द कौन सा आएगा? क्रांति। लेकिन विद्रोह, विद्रोह के साथ एक शब्द जुड़ा होता है दमन। विद्रोह का क्या कर दिया गया? दमन। आपने किसी भी बदलाव के लिए आवाज उठाई, आपने किसी भी बदलाव के लिए आवाज उठाई लेकिन उसका दमन कर दिया गया, तो क्रांति का मतलब होता है बड़ा परिवर्तन या बदलाव। सभी का सही था ये बदलाव। हाँ अंकित देतरवाल, आज़ादी। जी सही है वैसे तो, क्योंकि आज़ादी के लिए ही बदलाव चाह रहे थे हम लोग,
ब्रिटिश नीतियों से परेशान थे, उनसे आज़ादी चाहने के लिए 1857 का विद्रोह हम लोगों ने किया था। तो देखिएगा, 1857 की क्रांति, बड़ा बदलाव या किसी बात को बढ़ावा देना, इसका एक अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए अग्रसर होना या बढ़ावा देना। क्योंकि बढ़ावा का यहाँ मतलब है कि भारत के लोगों को आज़ादी के लिए क्या कर देना, इतना उस्काना, इतना उनको प्रेरित करना कि वो लोग क्या करें, आज़ादी के लिए लड़े, ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। तो देखिएगा कि क्रांति का मतलब बढ़ावा, जैसे कि अपने ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, एक आती है हरित क्रांति, तो ये तो है नहीं कि यहाँ खाद्यान्न के लिए कोई लड़ाई हुई थी, खाद्यान्न उत्पादन के लिए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हरित क्रांति। सफ़ेद क्रांति आती है, धूसर क्रांति आती है, बहुत सारी ये क्रांति आती है, गोल क्रांति, गुलाबी क्रांति। तो इसका मतलब भी क्या था, हरित क्रांति का मतलब अभी मैंने बताया, क्रांति का मतलब बढ़ावा भी इससे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हरित क्रांति। ओके, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन बनता है वो ये रहेगा कि 1857 की क्रांति, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि क्यों हुई थी 1857 की क्रांति, कारण क्या था 1857 की क्रांति होने का। तो कोई एक रीजन तो था नहीं 1857 की क्रांति का, बहुत सारे कारण थे 1857 की क्रांति के। तो अब हम जो है इसमें 1857 का जो विद्रोह है, इसकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इस पर इतिहासकारों का, लेखकों के विचार क्या क्या हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या 1857 के विद्रोह के बारे में कहा है, तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखो, सबसे पहले पुस्तकों की अगर मैं चर्चा करूं, तो सबसे पहली पुस्तक आती है दी पिजेसट एंड दी राज, द पिजेसट एंड दी राज। और ये जो पुस्तक लिखी गई है, इसके राइटर थे एरिक एटॉम्स। क्योंकि बुक्स याद इसलिए रखनी है, जैसे कि 2018 के अंदर आरएस का जो पेपर हुआ था, उसमें अशोक मेहता की जो बुक है 1857 से रिलेटिव, द ग्रेट रिवेलियन या 1857 ए द ग्रेट रिवेलियन जो उनकी किताब है, उसका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इसमें आरएस की परीक्षा में। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, देखो एक साइड तो नाम लिखा हुआ आएगा पुस्तक का, क्वेश्चन का आजकल प्रारूप क्या रहेगा, और एक साइड उसका नाम आएगा लेखक का। ठीक है, जैसे अभी हमने जो चर्चा की है द पिजेसट एंड द राज, और यहां लिख दिया गया अशोक मेहता, दूसरा लिख दिया गया द ग्रेट रिबेलियन, और यहां लिख दिया गया एरिक एटॉम्स, और यहां लिखा गया 1857, और यहां लिख दिया गया कोई भी नाम, वी डी सावरकर, एस एन सेन, और यहां लिख दिया गया फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे, इधर लगा देंगे ए बी सी और डी, इधर 1 2 3 4 जैसे भी लगाए, मिलान कीजिए कि निम्न में से कौन सी पुस्तक किस लेखक की है। तो अब ये क्वेश्चन हम तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब हमको इसमें से 3 राइटरों का पता होगा। जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि द पिजेसट एंड द राज किसकी है, एरिक एटॉम्स की है, द ग्रेट रिवेलियन किसकी है, अशोक मेहता की है,
1857 एसएन सेन की है, जिनका पूरा नाम है सुरेंद्रनाथ सेन। और फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी बुक है, वी डी सावरकर, जिनका नाम है पूरा विनायक दामोदर सावरकर। तो वर्तमान में जो 1857 की क्रांति को लेकर जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इनके बुक्स को और लेखकों को भी अपने को क्या रखना पड़ेगा, मद्देनजर रखना पड़ेगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर और रीट में तो मुख्यतः राष्ट्रीय आंदोलन का जो पार्ट दिया गया है तो उसमें तो इम्पोर्टेंट रहेगी हमारी ये बुक्स, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसी क्लास को अच्छे से आप रिपीट भी देख सकते हो, नेहरा स्टडी हब जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको ये, किसी वजह से आप लेट हो जाते हो, एनी रीजंस, अगर आप लेट हो जाते हो या आपको बीच में क्लास में कोई काम हो जाता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो नेहरा स्टडी हब यूट्यूब जो चैनल है उस पर अपलोड मिलेगी। आप कितनी भी बार इसको दोबारा रिपीट में इस क्लास को देख सकते हो। तो ज़रा देखिएगा आगे, सबसे पहली बुक्स जो है वो है द पिजिसट एंड द राज। सेकेंड अगर पुस्तक की अपने बात करें तो सेकेंड पुस्तक का नाम है सिपोए म्यूटिनी, सिपोए म्यूटिनी 1857। और ये जो बुक लिखी गई है, ये लिखी गई है एसपी चट्टोपाध्याय। ये मैं आप लोगों को 1857 की क्रांति के पहले जितने भी बुक्स है, सिपोए म्यूटिनी, सिपोए का मतलब होता है, जैसे कि अभी पूछ रहे हैं कि सिपोए, सिपोए का मतलब होता है क्या, सैनिक। सिपोए का मतलब क्या होता है, सैनिक। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिपोए का मतलब क्या होता है, सैनिक होता है। तो अब इसमें सिपोए म्यूटिनी 1857 जो पुस्तक है वो किसकी लिखी गई है, एसपी चट्टोपाध्याय की लिखी गई है। अगली जो पुस्तक हमारी रहेगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस ये लिखी गई है वी डी सावरकर के द्वारा, ये पुस्तक लिखी गई है। और इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर, विनायक दामोदर सावरकर जो है वो इनकी किताब का, सॉरी इनका जो पूरा नाम है वो है। और फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो इसमें वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा है कि 1857 का विद्रोह है स्वाधीनता संग्राम एवं स्वतंत्रता संग्राम था, और 1857 का विद्रोह स्वधर्म एवं राज सब के मध्य लड़ा गया प्रथम राष्ट्रीय संघर्ष था। ये किसके द्वारा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसने कहा है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह एक सुनियोजित विद्रोह था, वीर सावरकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसका कथन था कि 1857 का विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह है वो स्वधर्म एवं राजस्व के मध्य लड़ा गया प्रथम राष्ट्रीय संघर्ष था। तो इसके आंसर रहेंगे वी डी सावरकर। और इसी के साथ आज की क्लास का टाइम कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में इससे कि आगे जो बुक्स होगी उनके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। सभी का लाइव आने के लिए धन्यवाद। विशाल सरपटा, गुड, थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में।